एक्सपीरियंस होल्डर खिलाड़ी, 50 से 60 मैचों का एक्सपीरियंस, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम है। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और ये चलिएगा ये इसी बीच एक और अच्छी गेंद है। अब की बार ऑफ स्टंप से बाहर, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद है। हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ खेल दिया, ऊपरी क्षेत्र रक्षक वहां पे तैनात है और एक बार फिर वो रन की संभावना समाप्त करता हुआ शॉर्ट कवर का क्षेत्र रक्षक है। और जहां तक बाहरी क्षेत्र रक्षण की अपन बात करते, एक वो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाहर दिख रहा है, तो एक वो डीप मिड विकेट बाहर दिख रहा है, एक शॉर्ट मिड विकेट रखा है बाहर और एक शॉर्ट फाइन लेग भी दिख रहा है। और इस फील्ड के साथ सरदार राइट आर्म ऑफ द विकेट एक बार फिर, और अब की बार यहां पे जगह बनाई और वो बाजुएं खोली और जड़ दिया चौका। और ये अब की बार गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इन 4 के साथ भरतपुर टीम का खाता खुलता हुआ। अभी मैदान से एम्पायर की बाजवे फैली है और एक गेंद को वाइड करार दिया। और इसी बीच ना 4 रनों के साथ टीम का स्कोर है। इसी बीच सरदार एक बार फिर राइट हार्म ओवर द विकेट है, अब एक बार फिर जगह बनाई और गेंद को शॉर्ट पॉइंट की तरफ खेला है, ऊपरी क्षेत्र रक्षक वहां पे तैनात, तो रन की संभावना समाप्त है। तो पहले ओवर की हुई है समाप्ति, टीम का स्कोर 9 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे घोषणा आ रही है समर के लिए, चूरू से आ रही है वो घोषणा। समर यदि इस मुकाबले में अर्धशतक बनाते हैं तो ₹500 का पुरस्कार दिया जाएगा परमेश्वर गुर्जर के माध्यम से। तो पहले ओवर की समाप्ति, टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी कर रही है भरतपुर की टीम है। और इधर सलामी बैट्समैन की अपन बात करते तो समर के सामने धारा सिंह नायक के नजर आ रहे हैं। बॉलर नेम दिनेश मीणा, इधर आ जाओ यार। दिनेश मीणा और अब की बार मिड ऑफ के ऊपर से और ये खूबसूरत है और ये गेंद है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। और अब की बार मौका ताड़ा यहां पे बैट्समैन ने, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद है, एक खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे, गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर 1 बाउंस 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ टीम का स्कोर है 13 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। अब चलिएगा एक बार फिर ये कॉपी पेस्ट के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है और एक बार फिर गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दिनेश मीणा यहाँ पे खराब गेंदबाजी और दो बैक टू बैक यहाँ पे चौके देखने को मिलते हुए नायक के बैट से। तो एक बार फिर दिनेश मीणा यहाँ पे तैयार हो रहे हैं अगली गेंद के साथ है। अब ये खूबसूरती है इस गेंदबाज के अंतर्गत, वो दो खराब गेंद और एक वापसी वो उच्च कोटि की गेंद के साथ है, बिल्कुल गुड लेंथ पे गेंद है, बाउंस अच्छा मिला और पूर्व विकेट कीपर के दस्ताने, रन की संभावना समाप्त है। तो मीना एक बार फिर राइट आर्म ओवर। अब चलिएगा ये गेंद कहां गई है, ये गेंद ऊपर गई है नीचे, वो मिड ऑन क्षेत्ररक्षक आ रहा है
कोई गलती नहीं, और पहले विकेट का पतन यहां पे 17 रन के स्कोर पे भरतपुर टीम का। दो बाउंड्री खाई उसके बाद है एक अच्छी गेंद, यहां पे कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास है पर शॉट में इतना एलिवेशन मिला नहीं, गेंद हवा में खड़ी होगी और मिड ऑन क्षेत्र रक्षक के माध्यम से कच्चा कैच तो लीजिएगा। 17 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट है भरतपुर टीम का। तब इसी बीच पहला विकेट गिरने के बाद न्यू बैट्समैन है नरेंद्र, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे नरेंद्र के कंधों के ऊपर। 17 रन के स्कोर पे यहां पे पहला विकेट गिरता हुआ भरतपुर टीम का। दिनेश मीणा एक बार फिर राइट हैम ओवर, एक नया बैट्समैन नरेंद्र सामना करेगा यहाँ पे मीना का, और उनके लिए एक डीप मिड विकेट बाहर रखा है तो एक वो फील्डर लॉन्ग ऑफ की तरफ बाहर दिख रहा है। अब एक बार फिर जगह बनाने का किया था प्रयास, बल्ले का एक हल्का सा मोटा किनारा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और रन की संभावना समाप्त। दूसरे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पे भरतपुर। तो 12 गेंदों का खेल हुआ है, 17 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का आखिरी ओवर यहाँ पे दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर रहा है यहाँ पे। अब तक मुकाबले की बात की 12 गेंदे 17 रन है, मुकाबला आगे पीछे का चल रहा है। तो इसी बीच इनिंग्स के तीसरे ओवर में तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है, विनोद शर्मा के हाथ में गेंद दिख रही है। 35 से 36 मैचों का एक्सपीरियंस, 40 से 42 नाम है विनोद शर्मा के। तो पहली गेंद राइट आर्म सॉरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद और बीच मैदान से एम्पायर की दोनों बाजुएं निकली है बार और वाइड करार दिया इस गेंद को, और इसे के अतिरिक्त के साथ 18 रन टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। विनोद एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। अब चलिएगा एक बार फिर गेंद हवा में, अब ये अब की बार कवर का क्षेत्र रक्षक नीचे और कोई गलती नहीं, एक शानदार कैच यहां पे देखने को मिलता हुआ और 18 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट है। दोनों बैट्समैन मैदान के अंदर क्रॉस होने जरूरी है वरना आपके वो 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे रूल्स के मुताबिक है। यदि बैट्समैन दोनों मैदान के अंदर क्रॉस नहीं होते तो जो नया बैट्समैन जा रहा है उसको आउट करार दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 18 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पे भरतपुर टीम का। पहली गेंद एक खराब गेंद जरूर थी ओपन स्टंप से बाहर, उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पे बिल्कुल विकेट की लाइन में डाली हुई गेंद, अच्छा बाउंस मिला था टॉप ऑफ द बाउंस के साथ खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल किया था पर गेंद हवा में खड़ी होगी और एक अच्छा कैच मिड ऑफ की तरफ। 18 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट यहां पे गिरा है भरतपुर टीम का। अब न्यू बैट्समैन यहां पे अंकित चौधरी, एक युवा बैट्समैन है, ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं, टीम स्ट्रगल कर रही है, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके कंधों के ऊपर यानी अंकित चौधरी के कंधों के ऊपर। कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा होने वाला, एक लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और देख सकते हैं आप लगातार फील्ड में तब्दीलियां हो रही है। एक वो फील्डर इनके लिए वो मिड विकेट बाहर रखा था, एक वो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाहर रखा है, एक शॉर्ट मिड विकेट है तो एक शॉर्ट फाइन लेग भी है राउंड द विकेट है। और ये काफी खराब गेंद है और ये नो बॉल है और बाइक के रूप में 4 रन है।
काफी खराब काफी खराब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं गेंदबाज विनोद। एक बड़ी नो बॉल यहाँ पे विनोद के माध्यम से देखने को मिलती हुई। एक बड़ी नो बॉल है और सीबीचे ने 5 रनों के साथ टीम का स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भरतपुर टीम है टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी कर रही है और फील्ड वही है, फील्ड गेंद रहेगी। अब चलिएगा, अब ये गेंद गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन की तरफ है। वन बाउंस 4 रनों के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, गेंदबाज के ऊपर हावी होकर के खेला हुआ स्ट्रोक है और हवा में खेलने में कोई संकोच नहीं किया। घेरे की पाबंदियां चल रही है और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर, एक बाउंस 4 रनों के लिए और इन 4 के साथ टीम का स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे भरतपुर है। ये अच्छी वापसी यहाँ पे और ये गेंद भी अच्छी है, बिल्कुल एक फुल लेंथ गेंद है और गेंद को ड्राइव कर दिया अपने फॉलो थ्रू में। अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ विनोद के माध्यम से। और पहली 1-2 गेंदों पर जरूर स्ट्रगल कर रहे थे विनोद, पर पिछली 2 गेंदों पर अच्छी वापसी यहाँ पे विनोद के माध्यम से। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट है, एक बार फिर खराब गेंद और एक बार फिर डिपोजिट किया गेंद को 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट है, एक बार फिर यहाँ पे नो बॉल का सिग्नल आया है बीच मैदान से एम्पायर का। बिल्कुल नो बॉल का अलार्म बजा है, अगली गेंद यहां पे फ्री हिट रहेगी और की वो दूसरी खराब गेंद यहां पे विनोद के माध्यम से। टीम का स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहली 3 गेंदे और 13 रन, एक विकेट जरूर निकाला पर स्ट्रगल कर रहा है गेंदबाज विनोद है। अब आपके पास इस प्रकार की गेंदबाजी था, वो क्यों गलतियां करके चले जाते हैं। अतिरिक्त करने का प्रयास विनोद के माध्यम से और वो दो बड़ी नो बॉल है। पीछे विनोद है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है। अब ये ड्राइव अच्छा है और वो प्रतिशत रक्षक मिड ऑफ पे तैनात है और रन की संभावना समाप्त है। विनोद है, अब एक बार फिर गेंद हवा में है, एक बार फिर वो खराब शॉट सिलेक्शन और एक बड़ी गलती यहां पे विनोद के माध्यम से। ओवर रखती टीम का स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो पावर प्ले की यहां पे समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देव नारायण क्रिकेट क्लब भरतपुर है। एक नई ओवर की शुरुआत, जगह बनाई और वो पॉइंट से तरक्षक बाहर तैनात और एक रन यहाँ पे मिल जाएगा इसे के साथ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच अब गेंदबाज यहाँ पे दिनेश मीना के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी टीम के कैप्टन ने इनके ऊपर सौंपी है। एक सफलता वो निकाल चुके हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर और इनिंग्स की ओर से चौथा ओवर लेकर के ठीक है तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर दिनेश सामना करेंगे अंकित चौधरी और फील्ड पूरी तरीके से फैला ली। अपन बात करेंगे फील्ड के बारे में इस गेंद के बाद, कुछ तब्दीलियाँ लगातार हो रही है फील्ड में। राइट आर्म ओवर, अब ये प्लेसमेंट अच्छा और उससे भी खूबसूरत है, क्षेत्ररक्षण है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ है। एक वो क्षेत्ररक्षक बैकवर्ड्स को एक बाहर लिया था, एक वो मिड विकेट भी बाहर दिख रहा है, एक है वो सामने का फील्डर लॉन्ग वन, तो एक वो लॉन्ग ऑफ भी बाहर दिख रहा है, एक वो पॉइंट का क्षेत्ररक्षक भी बाहर लिया है। और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद है, ड्राइव अच्छा है पर सीधा कवर क्षेत्ररक्षक के हाथों में, रन की संभावना समाप्त है।
गेंद हवा में नीचे, फील्डर एक और कैच ड्रॉप यहाँ पे, काफी खराब से तरक्षण, काफी खराब से तरक्षण यहाँ पे भीलवाड़ा की ओर से। अरे दूसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, पूरा समय था शतरक्ष के पास, नीचे आ चुके थे यहाँ पे, पर मिस जजमेंट और एक और कैच ड्रॉप होता हुआ 36 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम है। तो एक बार फिर, अरे अच्छी गेंद यहाँ पे दिनेश मीणा की ओपन स्टंप से बाहर, और इस बीच 4 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी। हिम्मत सिंह गेंदबाज के रूप में दिख रहे हैं यहाँ पे इनिंग्स का 5 ओवर लेकर के अपने कोटे का पहला ओवर, और इनिंग्स की मैं बात करूं 5 ओवर में 4 गेंदबाज इस्तेमाल किया यहाँ पे टीम के कैप्टन ने। अब सामना करेंगे यहाँ पे अंकित चौधरी, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 11 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लंबे रनअप के साथ यहाँ पे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से दूर जा रहे हैं गेंदबाज हिम्मत है। और शिवीर सिंह गेंद मिड विकेट की तरफ, शतरक्षक वहां पे तैनात है, प्रयास अच्छा किया था, बिल्कुल कैच के लिए गए थे पर वो कहीं ना कहीं फंबल होती हुई गेंद है, और इसी बीच 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन। इससे एक साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे टीम है भरतपुर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई। अब सामना करेंगे यहां पे नरेंद्र हिम्मत सिंह का, अब एक बार फिर जगह बनाई, शॉर्ट पॉइंट की तरफ अच्छा शतरक्षण देखने को मिलता हुआ, और ये चलेगा अच्छा शतरक्षण हुआ पर वो बैकअप अच्छा नहीं, और 1 रन अतिरिक्त के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा, ओवर थ्रो के रूप में 1 रन मिलता हुआ इसे के साथ 38 रन 2 विकेट है भरतपुर है। पीछे बलवंत सिंह, हिम्मत सिंह कह सकते हैं, इस बीच कंधों का इस्तेमाल, खराब विकेट कीपिंग, और बिल्कुल एक बार फिर गेंद फाइन बाउंड लाइन से बाहर, बाई के रूप में यहां पे चौका मिलता हुआ भरतपुर टीम को, काफी खराब है। जहां तक अपन बीच मैदान में उतरते हैं तो बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच हमेशा विकेट कीपर होता है, उनसे आप गलती की गुंजाइश, गलती की गफलत नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं गलती हुई और बाई के रूप में यहाँ पे 4 रन मिलते हुए तोहफे के रूप में टीम भरतपुर को, इन 4 के साथ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर गेंद हवा में, फिल्डर पीछे पर उनकी पहुंच से गेंद दूर, और गेंद थर्ड मैन की तरफ जब तक फील्ड की जाती है, एक बार फिर पूरा समय यहां पे दोनों बैट्समैन के पास है वो सिंगल्स और उसको कपल्स में बदलने का, और इन 2 के साथ टीम का स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम है। भीलवाड़ा वर्सेज भरतपुर के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भरतपुर की टीम ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और इनिंग्स के 5 ओवर का खेल चल रहा है, टीम का स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अंकित चौधरी सामना करेंगे, काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया, 14 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी, और एक बार फिर यहाँ पे आधा कट और आधा पुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है कि वो फील्डर का कॉर्नर की तरफ भार लिया है, और जब तक गेंद को फील्ड करे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का, और इस एक के साथ 45 रन 2 विकेट है। जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, लगातार यहाँ पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है, गेंदबाज के लिए सोचने को मजबूर कर देने वाला कॉम्बिनेशन कि लेफ्ट हैंड को बैट्समैन को किस प्रकार की गेंदबाजी, राइट हैंड बैट्समैन को किस प्रकार की गेंदबाजी, देखो सवाल जवाब होते हैं। और एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ है, और वो निश्चित 22 गज की दूरी, और 5 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 46 रन लॉस ऑफ 2 विकेट है ड्रिंक्स
ब्रेक है, दो मिनट का रहेगा ड्रिंक्स ब्रेक है। 5 ओवर 47 रन, 2 विकेट भरतपुर है। तो पहली इनिंग्स का जो आधा सफर था वो समाप्त हो चुका है। 30 गेंदों का खेल हुआ है और 47 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम में। बॉलर कौन है ये? रफीक है। पहली गेंद बड़े बॉल है, दैट इज क्लीन बॉल, कमाल की गेंद यहाँ पे देखने को मिलती है बिल्कुल रफीक है। मंसूरी ने आते ही पहली गेंद के ऊपर सफलता निकाल के दी है और 46 रन के स्कोर पे गिरता हुआ 3रा विकेट है भरतपुर टीम का। और गति में अच्छा परिवर्तन किया और वो गति से मात खा गए यहाँ पे बैट्समैन ने। बैट्समैन एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो तेज गति की गेंद के लिए, पर स्लोर वन गेंद और सीधा स्टंप से जाके टकराती हुई। 46 रन के स्कोर पे गिरता हुआ 3रा विकेट है भरतपुर टीम का। एक बड़ी पार्टनरशिप यहां पे बिल्ड हो रही थी बिल्कुल रफीक बीच रोड़ा बने और अब इस बीच न्यू बैट्समैन लितेश शर्मा जो कि न्यू बैट्समैन के रूप में नजर आ रही हैं। 3रा विकेट गिरने के बाद अंकित चौधरी का साथ देंगे यहां पे लितेश शर्मा। ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं लितेश, 8 से 10 मैचों का एक्सपीरियंस। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके कंधों के ऊपर आज, क्योंकि वो विकेट गिर चुके टीम में 3 विकेट और 47 रन के इर्द गिर्द टीम स्ट्रगल कर रही है। रफीक मंसूरी एक लंबे रनअप के साथ है राइट आर्म ओवर द विकेट है। ये फिर से गति में परिवर्तन किया पर अब की बार वो फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस बनाते हुए गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ खेला है। वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन, एक वो फील्डर वहां पे तैनात और बीच पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित 22 गज की दूरी नापने का और इस एक के साथ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम है। आज इस टूर्नामेंट के 9वें दिन में कुछ बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। अब सामना करेंगे अंकित चौधरी और रफीक मंसूरी का राइट आर्म ओवर द विकेट है मंसूरी। ये फिर से गति में परिवर्तन, ड्राइव अच्छा पर वो शॉर्ट कवर क्षेत्र रक्षक ऊपर तैनात है। इसी प्रकार के रन बचाने के लिए ऊपर रखा है शॉर्ट कवर का क्षेत्र रक्षक है और ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज रफीक के माध्यम से। अब पहली 3 गेंदों की मैं बात करूं तो यहां पे मैच मात्र 1 रन खर्च किया है। अब जो लाइन और लेंथ की बात करूं बिल्कुल तीनों वो सटीक लाइन और लेंथ से डाली हुई गेंद है रफीक मंसूरी।
और इनकी दौड़ बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले यहाँ पे टीम भीलवाड़ा के लिए। और एक बार फिर ड्राइव अच्छा है और वो डाउन द ग्राउंड एक वो सेतरक से लिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ है और पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। और इस एक के साथ 48 रन है, 3 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम है। और अंकित की जहां तक मैं बात करूं यहां पे एक तरफा विकेट गिर रहे हैं पर अंकित का कोई साथ नहीं दे पा रहा है सामने वाला बैट्समैन है। इन्होंने 16 गेंदों का सामना किया है, वो 16 रन के ही व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस बीच रफीक राइट आर्म ओवर, एक बार फिर ये गति में परिवर्तन है और ये खूबी है इस गेंदबाज के अंतर्गत है। और इस ओवर की वो 5 गेंदें डिलीवर की इन्होंने और 5ों गेंदें ही वो गति में परिवर्तन वाली। और वो 5 गेंदों की खास बात यह कि 5ों गेंदों पर बैट्समैन को खेलने के लिए मजबूर किया इस गेंदबाज ने। और वहां पे एक आध ऐसी गेंद जिसपे कहीं ना कहीं विकेट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है रफीक के माध्यम से, पहली 5 गेंदों पर 3 रन खर्च की है तो एक विकेट भी निकाल के दिए इस गेंदबाज ने रफीक ने। अब चौधरी सामना करेंगे रफीक का, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब ड्राइव एक बार फिर अच्छा है, वो एक्स्ट्रा कवर बाहर रह रहे निश्चित 22 गज की दूरी। और इस एक के साथ है भरतपुर टीम के 50 रन पूरे होते हुए 3 विकेट के नुकसान पे छठे ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति, 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे भरतपुर। अब यदि इसी रन गति से रन बनाती तो 85 रन का स्कोर है। इस पिच के ऊपर वो सेफ स्कोर नहीं माना जाता, यदि आप 3 डिजिट के इर्द-गिर्द वो स्कोर देखते हैं और फिर आपके पास वो अच्छी गेंदबाजी तो पिच बिल्कुल मददगार है। अब गेंदबाज यहां पे नजर आ रही है विमल सिंह चौहान है, राइट आर्म मध्यम तेज गति के गेंदबाज है। राउंड द विकेट है, पहली गेंद डाउन द ग्राउंड है, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन की तरफ भार से तरक्षक लिया है और इस बीच पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। 51 रन 3 विकेट है। अब ये कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, फील्डर नीचे मिड विकेट का और कोई गलती नहीं, 51 रन के स्कोर पे गिरते हुआ 4th विकेट है भरतपुर टीम का। इक्यावन रन है, 4 विकेट के नुकसान पे और 4 बड़ी विकेट यहाँ पे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बिल्कुल कहीं ना कहीं पवेलियन के रास्ते भरतपुर के। अब न्यू बैट्समैन है पुष्पेंद्र गुर्जर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई और बैक फुट पे जाके खेलने का प्रयास है, लेग बाई का सिग्नल आया है बीच मैदान से अंपायर का, इसे एक अतिरिक्त के साथ 52 रन लॉस ऑफ 5 विकेट भरतपुर है। विमल सिंह काफी लंबा रन अप इनका, राइट आर्म मध्यम तेज गति के गेंदबाज, 40 से 42 मैचों का एक्सपीरियंस है और 48 विकेट है इनके नाम है। और इनके वो दो और बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं टीम भीलवाड़ा के लिए, अंकित चौधरी ये सामना करेंगे। अब ये कनेक्शन फिर से अच्छा नहीं हुआ है, वो शतरक्षक है नीचे पर एक बार फिर खराब शतरक्षण, और इस बीच एक बार फिर एक कैच ड्रॉप है
एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन, 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे। विमल सिंह एक बार फिर राइट आर्म ओवर, और ये अच्छी गेंद यहां पे ऑफ स्टंप से बाहर है, और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने रन की संभावना समाप्त। अच्छी गेंदबाजी हुई अभी तक विमल सिंह के माध्यम से, कुछ ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं यहाँ पे, लगातार बल्लेबाजों को परेशान है, परेशानी के सबक बन रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज विमल सिंह। पहली दो गेंद पर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह। अब ये चलिएगा वो दो बॉल पे स्ट्रगल, तो तीसरी बॉल पर वो बैट्समैन का डंडी गुल है, और 53 रन के स्कोर पे ये पांचवा विकेट गिरता हुआ भरतपुर टीम का। आती टीम यहां से पवेलियन के रास्ते, और सातवें ओवर की समाप्ति बिल्कुल है। 7 ओवर 53 रन 5 विकेट भरतपुर। तो न्यू बैट्समैन है सचिन गुर्जर जा रहे हैं यहाँ पे अंकित चौधरी का साथ देने के लिए। और अंकित चौधरी की मैं जहां तक बात करूं तो वेस्ट फेस्ट डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अभी तक बिल्कुल डटे हुए 19 गेंदों का सामना किया, 19 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित चौधरी। रफीक मंसूरी के हाथ में गेंद है, और अब सामना करेंगे न्यू बैट्समैन, सॉरी अंकित चौधरी सामना करेंगे। पहली गेंद और बिल्कुल मिडिल और लेग की गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ खिलाए, खराब शतरक्षण और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। पिछली 19 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री यहां पर टीम भरतपुर के लिए अंकित चौधरी के बैट से, और काफी खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ मिड विकेट की तरफ, और इन 4 के साथ टीम का स्कोर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पे भरतपुर है। अब ये खूबसूरत है और ये ड्राइव कमाल का है, प्रवीक क्षेत्ररक्षक ने वो बाहर लिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और इसी बीच यहां पे सिंगल सौर बिल्कुल दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे अच्छी दौड़ विकेटों के मध्य, और इन 2 के साथ 59 रन 5 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम है। तो एक बार फिर यहां पे रफीक मंसूरी तैयार हो रहे हैं राइट आर्म में, और द विकेट है अंकित चौधरी के लिए। अब ये किस प्रकार का शॉट है, ये गजब का शॉट है, कमाल की टाइमिंग है, मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमा में और ये हल्की सी लोपटेड दिखी शॉट के अंतर्गत है, और नो लुक भी दिखा कहीं ना कहीं, और कनेक्शन कमाल का हुआ, वो गेंद मिडल अच्छी हुई और गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इन 6 के साथ यहाँ पे टीम का स्कोर 65 रन लॉस ऑफ 5 विकेट है भरतपुर टीम है। अंकित चौधरी के माध्यम से अच्छी बल्लेबाजी हुई है, पहला विकेट गिरने के बाद फर्स्ट डाउन का स्थान लेने गए थे अंकित चौधरी, अभी तक 22 गेंदों का सामना किया है और वो 31 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 चौके लगे हैं तो उतने ही छक्के लगे हैं इन्होंने।
अभी अच्छी गेंद है, जगह बनाने का प्रयास, बाउंस अच्छा मिला था और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने, रन की संभावना समाप्त है। टीम का स्कोर 65 रन है, 5 विकेट के नुकसान पे भरतपुर। अंकित चौधरी के ऊपर यहां पे नजर रहेगी, ये दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट रहने वाला है। बीच रोड़ा बन के खड़ा ये बैट्समैन अंकित चौधरी। शिबी जी सोर की अगली गेंद, एक बार फिर गेंद को ड्राइव किया, ड्राइव हार्ड एंड हैंडसमली दैट वे गॉन वाइड, इस लॉन्ग ऑफेंस फॉर 4 रन। खूब जोरदार शॉट है, कदमों का इस्तेमाल है और ड्राइव इतना कमाल का कि गेंद सीधी गोली की रफ्तार से निकलती हुई वाइड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मैं जिक्र कर रहा था, मैं बता रहा था और मैं लगातार कह रहा था कि ये बैट्समैन अंकित चौधरी बिल्कुल बीच रोड़ा बन के खड़ा है और दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है विकेट रहने वाला है अंकित चौधरी का। और सीबीच इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, टीम के स्कोर की बात करें तो 69 रन लॉस ऑफ 5 विकेट है भरतपुर है। और ये 35 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 गेंदों का सामना किया है। सीबीच एक बार फिर यहाँ पे रफी का तैयार हो रहे हैं, काफी महंगा हो रहा है रफी का, अभी तक बात की जाए तो गिद पहुंचती हुई नजर आएगी। और अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया, टीम के कैप्टन सरदार को एक बार फिर वापस बुलाया है इनिंग्स के 9वें ओवर में। तो सरदार पहली गेंद के साथ है, शॉट कमाल, कमाल का शॉट है और गेंद एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वह एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है आधा दर्जन रनों के लिए अंकित चौधरी ने। गेंद इतनी खराब नहीं थी, बाउंस अच्छा लिया था, बॉडी को टारगेट कर रही थी गेंद और अपनी जान बचाने के अंदाज में वो पुल किया था और कनेक्शन इतना कमाल के कि गेंद सीधी मिड विकेट आउटलाइन के ऊपर से मैक्सिमम है लगा। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम खूबसूरत है। अब ये चलेगा एक बार फिर सीधे बैट से, वो डाउन द ग्राउंड खेला है वो बाहर से तरक्षक लॉन्ग ऑफ का निश्चित है समय दोनों बैट्समैन के पास है। 22 गज की और इसी बीच यहां पे एक ओवर थ्रो के रूप में अभी रन पूरा कर लेंगे और इन दो के साथ 78 रन लॉस ऑफ 5 विकेट है भरतपुर है। और 44 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित चौधरी। बिल्कुल है वो अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार है और इस दीवार को अभी तक कोई भी गेंदबाज तोड़ नहीं पाया, 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए इन्होंने सरदार। अब ये गेंद हवा में, जिस दीवार की अपन बात करें तो यहाँ पे दीवार एक बार फिर नहीं तोड़ पाएंगे और एक और खराब शतरक्षण यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। अब इसी इजली के चाप के लिए क्या हो सकते हैं, अब गेंद हवा में पूरा समय और अब नीचे भी आ चुके थे अपर काफी खराब शतरक्षण और इसी बीच यहाँ पे दोनों खिलाड़ी के पास पूरा समय निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का। 79 रन लॉस ऑफ 5 विकेट भरतपुर टीम है। बीच यहां पे शोर की अगली गेंद, गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ वो शतरक्षक बाहर तैनात और पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास। एक बार फिर वो निश्चित है चहलकदमी करते हुए 22 गज की दूरी तय करने का विषय के साथ 80 रन 5 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम है। अब यहां से 8 गेंदे और एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे अंकित चौधरी के कंधों के ऊपर रहेगी। यहां से अब वो रन स्कोर कहां तक पहुंचेगा वो जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। और ये डायरेक्ट थ्रो है और रन आउट हो जाएंगे यहां पे, तो 80 रन के स्कोर पे गिरता हुआ 6वां विकेट है भरतपुर टीम का। और काफी अच्छा शतरक्षण रहा था विकेट कीपर के माध्यम से, बिल्कुल एक हवा में गोता लगाते हुए और गेंद को रोका और वो सीधा स्टंप ले उड़ के गेंद है
और तीनों स्टंप को टारगेट किया विकेट कीपर ने और 80 रन के स्कोर पे गिरता हुआ छठा विकेट है भरतपुर का। न्यू बैट्समैन है मानवेंद्र, बची हुई गेंदों पर किस प्रकार की बल्लेबाजी और ये अच्छी है यहाँ पे और इसी बीच 9 ओवर की समाप्ति और 80 रन 6 विकेट है। अब पहली इनिंग्स की वो निर्धारित 6 गेंदे से और 6 गेंदों का खेल से यहां से और अंकित चौधरी बिल्कुल 45 रन स्कोर कार्ड पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे उठाई इन्होंने वो पहला विकेट गिर जाने के बाद है। अरे बिल्कुल अभी तक वो 27 गेंदों का सामना किया है और जिसमें 4 चौके तो वो 3 छक्के लगाए हैं इन्होंने। एफर्टलेस बल्लेबाजी यहाँ पे अंकित चौधरी के माध्यम से। यहाँ पे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है टीम में भीलवाड़ा के अंकित चौधरी बिल्कुल 45 रन बना के बीच मैदान से बाहर शानदार इनिंग है। अब ये 9 बॉल है और 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया है गेंद को। एक बार फिर स्टैंड एंड डिलीवर और अब की बार वो बैकवर्ड स्कोले के ऊपर से 6 रनों के लिए और वो बैट्समैन की जो गेंद बैट से लेकिन वो कनेक्शन बड़ा कमाल का हुआ था। एक है वो स्वीट साउंड ऑफ द बैट और गेंद सीधी बैकवर्ड स्कोले के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इन 6 के साथ है 87 रन 7 विकेट के नुकसान पे भरतपुर टीम में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी और ये इनिंग्स का आखिरी ओवर चल रहा है और काफी लंबा सफर तय किया यहाँ पे गेंद ने और आखिर समय बाद वो गेंद वापस और 87-7 विकेट है। और इस बीच लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट विनोद है। बिल्कुल दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे बैट्समैन पर अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ और इसी बीच 1 रन के साथ 89 रन लॉस ऑफ 7 विकेट है। तो एक बार फिर विनोद लेफ्ट आर्म है और जगह बनाने का प्रयास है और खूबसूरत गेंद और एक और रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ भरतपुर टीम का 89 रन के स्कोर पे 8वां विकेट है। रामकेश न्यू बैट्समैन है 8वां विकेट गिरने के बाद
एक बार फिर वो लो स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलता हुआ यहाँ पे, और इस टूर्नामेंट में हमने यही देखा है कि लो स्कोरिंग मुकाबले एक फाइटिंग मुकाबले होते हैं, दोनों टीमें बेहतरीन टीम है, बेहतरीन प्लेइंग स्कोर है। अब नजर रही कि यहाँ पे बची हुई दो गेंदों के ऊपर है, लेफ्ट हार्म ओवर द विकेट है। अब ये चलेगा, ये गेंद है, गेंद 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 बिल्कुल इतनी दूर की, एम्पायर अपनी दोनों बाजू हवा में फैला सके, छह रन आउट के लिए पहली गेंद, और बिल्कुल लॉन्ग वॉप के ऊपर से कमाल का शॉट है, और इन छह के साथ टीम का स्कोर 95 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट है भरतपुर। और जब आप इनिंग्स के आखिरी ओवर में जाकर के तो आपके पास वो एक से दो गेंद, समय बहुत कम रहता है, और इस प्रकार का आप स्ट्रोक ले जाते हैं, बिल्कुल आपके पास उत्कृष्ट है। अब ये गेंद अच्छी और ये चलिएगा पर लिख भाई का यहां पे चौका निकलता हुआ, सॉरी बैट से लेकर गया है, 99 रन और 100 रन का टारगेट यहां पे सेट किया है भरतपुर टीम ने भीलवाड़ा के सामने। कैप्टन बिलवाड़ा, नील नील कैमरामैन, वेलकम रियाज। तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और उसके बाद जहां पहले आपसे पूछ नहीं पाए, तो पहले गेंदबाजी कर भरतपुर को कहां तक रोकने की कोशिश थी भीलवाड़ा की? हमारा ये सोचना था कि भरतपुर की जो बल्लेबाजी है वो थोड़ी कमजोर नजर आई थी मुझे पिछले टूर्नामेंटों में देखा था, तो हमने सोचा कम से कम 80 रन पे हम इनको रोक देंगे तो काफ़ी आसान मैच हो जाएगा, लेकिन हमारे फील्डरों की गलतियों और बॉलरों की जो एक्स्ट्रा रन काफ़ी दिए उनकी वजह से इनका स्कोर 99 जगह अच्छा स्कोर पहुँच गया। बिल्कुल उतरे 11 थे, पर वो 12वां खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा रन देकर चला गया। उसके बाद शुरुआती जो 18 पर दो विकेट भी मिले, वहाँ पर शुरुआत अच्छी रही आपकी, गेंदबाजी को आपके गेंदबाज आपके टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के फैसले को सही साबित करें। उसके बाद कुछ ओवर स्टेपिंग या फिर वो रेस्ट जो फुल टॉस गेंदे बीमर्स आए, ये सब भी वहाँ पर मिले। उसके बाद बात करने में कहाँ वो गेंदबाजों ने समझा नहीं, गेंदबाजों से मैंने यही बात की क्योंकि जितने एक्स्ट्रा रन देंगे तो उनको वापस से चेज करने में आपको हम पता है कि हमेशा दिक्कत आती है, तो मैंने कहा आप जब अपनी लाइन लेंथ नहीं बदले, नॉर्मल बॉल डालते रहे क्योंकि यार रन बनाना आसान नहीं है और लो स्कोरिंग मैच भी काफ़ी फाइटिंग होते हैं। पर उन्होंने काफ़ी वेरिएशन करने का प्रयास किया, जैसे रफीक ने एक ओवर अच्छा डाला तो अगले ओवर में उसे ज़्यादा वेरिएशन किया, तो उसमें ओवर नो बॉल हो गई उसकी, काफ़ी रन से रन आ गए विनोद के, लेकिन हम कहीं ना कहीं टारगेट हमारी पहुँच में ही है और हम आसानी से इसको चेज कर लेंगे। बिल्कुल, उन्होंने टारगेट तो दहाई में दिया पर आपको सैकड़ा बनाना है 100। और तो एक चीज़ और, जैसे कि पहले तो ये टूर्नामेंट आपके सामने राजस्थान में, जैसे धीरे धीरे टेनिस पिछले कुछ 4-5 सालों से जैसे सोशल मीडिया पर आने लगा, थोड़े थोड़े टूर्नामेंट्स में जैसे कि इस टूर्नामेंट में देखते हैं पूरे राजस्थान की टीमें तो जिस प्रकार से हर टूर्नामेंट में आती है, पर इस बार इस स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहड्डी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में 22 से 24 टीमें पूरे देश से आई हैं, तो पूरा देश इस टूर्नामेंट से मिला, तो इस टूर्नामेंट के लिए और हमारे स्प्रिंटर्स उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, स्प्रिंटर्स और जो अपने इसके जो प्रमुख सूत्रधार कालू जी बिश्नोई हैं और उनकी जो पूरी टीम है उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि राजस्थान जो टेनिस क्रिकेट में काफ़ी पीछे था, तो राजस्थान के कुछ प्लेयर्स ने बाहर जाके भी अच्छे अच्छे कारनामे किए, तो अब ऐसा मौका राजस्थान में बन पड़ा है कि बाहर के प्लेयर्स को यहाँ खेलने आना पड़ रहा है और वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में जहाँ 42 टीमें लेनी थी फिर 46 हुई थी, तो बढ़ते बढ़ते इतना रोमांच पैदा हुआ कि 96 टीम हो गई, और इतना बेहतरीन आयोजन मैंने भी अपनी जीवन में नहीं देखा है, और काफ़ी सारे अच्छा सहयोग है, कमेटी के सारे मेंबर बहुत बढ़िया है, अच्छा सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ ये आयोजन हर साल हुए और अपने राजस्थान को अपने भारत में अच्छी पहचान मिले।
बिल्कुल, जिस हिसाब से कालू जी और महेंद्र जी, सारण साहब, ये सब मिलके उनकी टीम बढ़िया काम कर रही है, पर एक जो स्पॉन्सर की जो ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से स्पॉन्सरशिप पूरे राजस्थान में होती है, पर जिस हिसाब से यहाँ पर जो अपग्रेड हुआ है उसके पीछे स्प्रिंटर्स का जो है रोल है, उसके बारे में कुछ बताइए। इस प्रकार से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, तो एक स्प्रिंटर्स नाम का इस टूर्नामेंट में जो स्पॉन्सर किया है, जो स्प्रिंटर्स की जो कमेटी है जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, प्राइज मनी से लगा के बहुत सारे विनिंग प्राइजेज, इनाम और उनकी तरफ से इतने अच्छे अच्छे प्राइजेज, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और एक स्प्रिंटर्स अब राजस्थान से सीमित नहीं, पूरे देश का नाम बन चुका है, क्योंकि हर कोई टूर्नामेंट में आता है तो सब यूँ कहते हैं कि स्प्रिंटर्स का जो टूर्नामेंट है स्प्रिंटर्स का टूर्नामेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा नेम बन के उभरेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि स्प्रिंटर्स आगे बहुत अच्छी ब्रांड बने और राजस्थान में इससे भी अच्छे और बड़े बड़े लेवल के टूर्नामेंट कराए। थैंक यू वेरी मच। ये है रियाज फ्रॉम भीलवाड़ा, और मिलते हैं 99 का टारगेट है और यहाँ पर बने तो दहाई में है, पर यहाँ पर भीलवाड़ा जब इस अपने स्कोर को चेस करेगी तो वो 1003 के आंकड़ों में इस स्कोर को बनाना होगा। मैं हूँ कमेंटेटर भरतराज सिंह, आप देख रहे हैं स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का ये नवा दिन, ये पहला मुकाबला भरतपुर और भीलवाड़ा के बीच में। यहाँ पर भीलवाड़ा ने पहले गेंदबाजी कर यहाँ 99 के स्कोर तक वहाँ पर अपने 10 ओवर खर्चे, और अब यहाँ पर जब बल्लेबाजी करने उतरेगी तो भरतपुर के सामने उनको 100 का टारगेट रहेगा। धन्यवाद। बैट्समैन प्लीज, भीलवाड़ा बुल्स जल्दी से मैदान पर पहुंचे। हेलो,
तो लीजिए ये 100 का टारगेट रहेगा। तो लीजिए वो 100 और 10 रन प्रति ओवर की जरूरत, उसमें ये 3 ओवर यहां पर बैटिंग पावर प्ले रहेंगे भीलवाड़ा बुल्स को। तो लीजिए दो सलामी बल्लेबाज श्याम सुंदर और प्रतीक शर्मा, और गेंदबाजी में यहां पर दारा सिंह नायक पहला ओवर लेकर यहां पर सामने स्ट्राइक पर है श्याम सुंदर। फील्डर्स जो अंदर की तरफ रहेंगे वो है एक कवर पॉइंट पॉइंट शॉर्ट थर्ड मैन फाइन लेग एक मिड ऑन एक मिड विकेट एक वाइड मिड ऑन। सॉरी अब एक मिड ऑफ नजर आएगा एक वाइडेस्ट मिड ऑन नजर आएगा एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑन का फील्डर। तो शाम यहां पर बिल्कुल स्कोर रेडी, लेट्स गो। ये पहली गेंद और स्लॉट में मिली थी और सही इरादा, मगर देखिए यहां पर पहली गेंद थोड़ी सी बल्ले पर लगने के बल्ले से दूर जाती हुई कीपर के पास और शाम को पहली गेंद यहां पर उनके इरादे नजर आए कि इनको लाइसेंस दिया उस घेरे के लिए, वो पाबंदियां हैं जो घेरे की। इस बार पैरों के आसपास की गेंद को यहां पर बल्ले से तो नहीं पर वो 12वें खिलाड़ी से एक रन शायद बिल्कुल लेग बाई के रूप में अपना और वो लेग बाई का खाता खुलता हुआ। टीम भीलवाड़ा एक रन अब यहां से 99 पहला ओवर यहां पर सामने, और ये बैटिंग पावर प्ले जहां 100 रन की बात है तो 10 रन प्रति ओवर चाहिए और जिस हिसाब से आउटफील्ड है और गेंदों का यहाँ पर इंतजार और जिस प्रकार से अगर आप पूरे 10 ओवर तक अपनी बैटिंग ले चलते हैं तो फिर ये रन बन सकते हैं। पर चलते हैं भरतपुर के पास, काफी अच्छी गेंदबाजी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एक बाएं हाथ का बल्लेबाज आपके सामने, नाम है प्रतीक शर्मा, एक है डीप मिड विकेट। अब इस गेंद पर ऑफ स्टिक बदल जाएगी गेंदबाज की जो इस ओवर की तीसरी गेंद रहेगी। चले और ड्राइव करने का प्रयास, धीमी गति की गेंद और खेलना वहां ऑफ साइड में चाहते थे मगर लेट आई गेंद की वजह से वो अंदरूनी भाग का संपर्क मिड ऑन तक। वाओ व्हाट अ शॉट, क्या बढ़िया यहां पर आगे घुसकर मारा है और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खूबसूरत सिर्फ टाइम कर दिया सिर्फ उस गेंद के पीछे लाके उस बल्ले का संपर्क और वो संपर्क रहेगा रेडी ब्रदर्स फॉर 4। और लीजिए वो चौके की सलामी इस चेस करती हुई बल्लेबाजी में पहला चौका प्रतीक शर्मा के बल्ले से। पिछली गेंद पर जहां गति कम थी यहां पर समझा कि तेज गति से अगर बल्ले पे नहीं आएगी तो इस प्रकार के मिस टाइम हो सकते हैं जो पिछली बार हुए, तो इस बार उस गेंद को ऊपर जाकर खेलने की वजह से वो सब कुछ बढ़िया हुआ उस बल्ले के। फिर से बाहर इस बार डाउन द ग्राउंड पर सामने है मिड ऑफ का फील्डर सीधा हाथ में, सोच बढ़िया यहां पर, अब धीमा फेंक रहे हैं गति नहीं है तो फिर चलकर उस गेंद तक पहुंचे।
आखिरी गेंद यहां से आनी बाकी। पहली डॉट, दूसरी पे लेग बाई, तीसरी डॉट चौका और ये ड्राइव। बैकफुट पर गए और वहां पर लेग स्टंप के आसपास की गेंद को कन्वर्ट करना चाहते थे, संपर्क नहीं वहां पर, गेंद टकराने के बाद दाईं तरफ कीपर के लुढ़के की, कोई रन नहीं। लीजिए वो पहले ओवर की समाप्ति, 5 रन बिलवाड़ा बुल्स। बढ़िया पहला ओवर यहां पर दारा सिंह का, एक किफायती गेंदबाजी, बैटिंग पावर प्ले में समझी हुई समझदारी से सुलझी हुई गेंदबाजी नजर आई। और अगर जे पुराना गेंद है शमाक जी, नया गेंद है, दिमाग फेंकते हैं तो वो ग्रिप नहीं करता और नहीं रोए हैं ऊपर तो गेंद। यहाँ पर दो प्रकार के पेस थोड़े से फर्क में रहते हैं, मगर एक शॉट जो था यहाँ पर समझ के मारा गया, यहाँ पर प्रतीक द्वारा आगे निकले तो सब कुछ वहां पर उस बल्ले के लिए आसान सा वो शॉट निकला लॉन्ग ऑफ शमाक जी मिड ऑफ के ऊपर से। बॉलर्स नेम, और ये धीमी गति का, और यहाँ पर ना तो गेंदबाज ने डाला पर वो बन गई थी स्लोर बाउंसर और हाथ से छूटी नहीं। वार्म अप पहली ही गेंद थी उनके ओवर की और ये उनके टीम के दूसरे ओवर की गेंद थी। तो लीजिए बॉलर्स नेम बताइए, कोई एक खिलाड़ी यहाँ बिठाइए, वहां से हम नहीं सुनेंगे, भले सुनाई देगा तो भी नहीं मानेंगे, ये टेक्निकल चीज यहाँ पे बैठनी चाहिए। एम्पायर रोक दीजिए, एक भैया बिठा दीजिए आप, हितेश लीतेश। और इस बार लेंथ पर थी, फिर से यहां पर बल्ला चला श्याम का, पर वो सुंदर काम नहीं हो पाया, जो संपर्क है वो बीच बल्ले से नहीं। पर इस बार देखते हैं फिर से, कुछ सोचना होगा कि कमी कहाँ रह रही है। इस बार पहली गेंद यहाँ पर दुरुस्त नजर आई लितेश शर्मा की, पहली गेंद भी इस बार सही संपर्क है, हवा में बहुत ऊपर तक, ऊपर की तरफ ताकत लगी है, फील्डर नीचे है, कोई गलती नहीं करेंगे। और यहाँ इस बार जो पावर था वो ऊपर की तरफ ले चला उस गेंद को, और लीजिए यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ। और गति एक बार फिर से वो धीमी गति की थी, टॉप ऑफ द बाउंस, वो गेंद जहाँ स्लॉट में नहीं वो थोड़ा टॉप हो गया, इस वजह से वो पीछे जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था वो लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर उस गेंद को कैच कर लिया, इतनी देर वो गेंद हवा में थी। लीजिए यहाँ पर एक विकेट गिरा है, नया बल्लेबाज आपके सामने दिनेश मीणा। जब उनके कप्तान से बात हुई तो 100 उनकी पहुंच तक है। चलिए यहाँ पर वो पहला विकेट यहाँ गिरा है और 9 विकेट अभी भी हाथ में, कप्तान भी उनकी अभी भी मौजूद। और जहाँ तक इस विकेट की बात है और जो आउटफील्डर्स गेंदबाज के लिए ये पिच भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। शुरुआती 3 दिन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद गेंदबाज बल्लेबाज तो नहीं पर गेंदबाज बल्ले बल्ले कर रहे हैं। कल एक ऐसा मुकाबला था जो सिर्फ चेस करके जीता गया, जो लास्ट ओवर में 21 रन थे वो श्रवण कुमार ने यहाँ लगाए थे, एक बॉल रह भी गई थी। तो चलिए दिनेश मीणा, और ये थोड़ी सी पैरों के आसपास की गेंद, बल्ले का चेहरा बहुत जल्द बंद हुआ और अभी गए थे, ये एक लिखा था जहां 2 हो जाएंगे तो ये दूसरा विकेट। सोच बढ़िया थी, मिड विकेट तरफ खेलने के प्रयास में फिर से वो बल्ला जल्दी बंद, वो टॉप आगे का जो किनारा है वो लगकर फर्स्ट स्लिप तक गया और दूसरा विकेट 5 पर। कप्तान रियाज आए हैं अब, चलिए यहां पर जो अब थोड़ा सा प्रोसीजर क्या रहता है, जिस हिसाब से यहां पर जो 2 विकेट यहां पर 5 पर भिलवाड़ा के गिरे हैं, वहां भरतपुर के 18 पे 2 थे। फिर उसके बाद प्रतीक की बल्लेबाजी में इंटेंट बिल्कुल वो नजर नहीं आया कि जो 2 विकेट गिरी है, और
पीछे हमारे पास बल्लेबाज बचे हैं, वो कुछ सोचा नहीं, उन्होंने सिर्फ जो गेंद है, गेंद का घुमाव देखा, गेंद का चेहरा देखा और वो अपने बल्ले से बीच का वो संपर्क, वो सब कुछ यहाँ पर एक बढ़िया बल्लेबाजी और अपने इंटेंट में जो पॉजिटिविटी थी वो यहाँ पर अच्छे स्कोर तक ले गई। तो चलिए अब है कप्तान, हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे और ये पहली गेंद लॉग करने का प्रयास अनुमान से थोड़ा सा अनुमान से वो थोड़ा सा बाउंस नीचे रहा, चूंकि यहाँ पर डॉट रहेगी वो गेंद, इंटेंट सब क्लियर है, अपनी गेंद खेली जाएगी, बैटिंग पावर प्ले है, पूजा नहीं की जाएगी। तो लीजिए वो आखिरी गेंद यहाँ से आनी उस दूसरे ओवर की, तो लीजिए जैसे ही वो शॉट चेक किया है तो वो लगा तो नहीं, पर उस बैट स्विंग से नजर आया कि उनको एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट में रखना चाहिए। इस बार शॉट लगा है, फील्डर वहां पर मौजूद मगर नीचे रहेंगे, पर वो जो बाउंस है वो पीछे तक जाएगी गेंद। तो लीजिए कप्तान के बल्ले से एक बढ़िया शॉट और फील्डर पीछे था, फिर भी उस दिशा में लगा हुआ शॉट देखने को मिला। तो लीजिए वो आखिरी गेंद, चौके का संदेश और ओवर समाप्ति का भी। तो दो ओवर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर भीलवाड़ा बुल्स। और टेनिस क्रिकेट में एक स्ट्राइक करते हुए वो भी अपनी मेरिट में खेलें, सिंगल डबल्स को हिट्स के चक्कर में अगर सिंगल डबल्स को भी छोड़ देते हैं तो फिर वो बाउंड्री फिर आपको पांचवी गेंद पर मिलती भी है तो वो प्रत्येक ओवर में 6 से 7 रन का काम करेगी और आपको रिक्वायर्ड है 11.38, तो काम होना चाहिए 10 के आसपास का, लगातार बनी रही है। और फिर एक आधा जो ओवर है उसकी सौदेबाजी थोड़ी महंगी कर लीजिए आप गेंदबाज के साथ। अब यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले की जो पाबंदी है यहाँ पर खुल जाएगी, अब यहाँ पर 2 के अलावा 3 खिलाड़ी और यहाँ पर गेंदबाज रख सकते हैं। नितेश लितेश शर्मा जिन्होंने पहला ओवर काफी बढ़िया 4 रन देके 2 विकेट हासिल किए थे, फिर से उनको चौथे ओवर में आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर सामने है प्रतीक शर्मा। चले दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन और 3 विकेटों के बाद इन खिलाड़ियों की सोच क्या रहती है और किस तरह से उनका ये खेल उनके भीलवाड़ा बुल्स के लिए इस टारगेट का पीछा करता है। और एक लॉन्ग ऑफ समा कीजिए, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑन स्ट्रेट, इसके बाद आपको एक स्ट्रेट और इसके बाद एक काउ कॉर्नर में खिलाड़ी बिल्कुल सीधा वहां पर पीछे मिल जाएगा, 1 रन मिलेगा जब तक वो गेंद फील्ड होगी। एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक पॉइंट, एक गली, एक कवर, ये इस प्रकार के खिलाड़ी आपको यहाँ पर गेरे के अंदर नजर आएंगे। चलिए अब दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन, फिर से वो ऑफ स्टिक बदलेगी लितेश शर्मा के लिए। सामने है अब सिकंदर कुरैशी। तो मिड विकेट, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक स्ट्रेट और एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर, पॉइंट, गली, शॉर्ट थर्ड मैन और फाइन लेग। फुल टॉस है मगर वहां पर अचानक से गेंद को कहीं ना कहीं पीच पर ढूंढा और फंबल थोड़ा सा पास में गिरा। और बॉलिंग के जादूगर हमारे सर का स्वागत है जोराराम जी,
और यहाँ पर ये पिच की लंबाई शायद इनके लिए थोड़ी सी कम पड़ रही है, और इस बार जब कम पड़ी तो यहाँ पर एक हाथ बाहर निकलेगा जो नो बॉल का इशारा लेगा। तो लीजिए यहाँ पर शर्मा के लिए अपना वो शॉट की रेंज चेक कर लेनी है कि इस सिक्स सीट पर उनके पास कितनी दूर गेंद जा सकती है। अभी तक एक प्रयास किया, बाउंड्री तक गेंद आई, तो लीजिए चेक कर लीजिए ये वो गेंद रहेगी जहाँ पर आपका वो फ्री हिट पर सिर्फ रन आउट के छोड़कर किसी प्रकार का आउट नहीं है। और ये लीजिए, ये तो छोटी थी और वो फिर से आएगी, और इस प्रकार की गेंद आपको समझनी होगी, अगर आपने कैश नहीं की तो फिर आपकी रसीद वो कटेगी नहीं 6 और 4 वाली। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका स्वागत कर रहे हैं गेंदबाज, उसका थोड़ा सा फायदा जरूर उठाना चाहिए। वो ये आगे की गेंद है, थोड़ी धीमी गति का रहेगा, फील्डिंग वहां पर आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, तो उस समय थोड़ा सा इस बार फिर से वो संपर्क अंदर रहा, बैट थोड़ा सा बॉटम हैंड और स्ट्रॉन्ग करना होगा यहाँ पर शर्मा को। तो चले सिकंदर इस बार सामना करेंगे लितेश का, और इस बार ये क्या बात है, सिकंदर अंदर गेंद बाहर, गजब का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगता हुआ। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स मैक्सिमम, क्या बात है, इस बार बिल्कुल आगे की गेंद पर इस बार वो पता चलेगा कि यहाँ पर सिकंदर को कितनी ताकत लगानी इस गेंद पर। थोड़ा सा वो सिक्स सीट का गेंद और बढ़िया जाता है, अगर आप सही से उसे मिडल करेंगे तो फिर सही से मिडल करेंगे तो गेंद माइंड नहीं करेगी। और लीजिए यहाँ पर एक गेंद फिर से जो हवा में है, कट करने का प्रयास है, इस बार वो टाइम नहीं कर पाए, स्लैश हुई थोड़ी सी गेंद बैकवर्ड पॉइंट तक, वो कैच ड्रॉप भी देखने को मिला। अरे लीजिए इस ओवर में वो सब कुछ था कि यहाँ पर जो 3 में जो 15 थे ना 16, वो यहाँ पर अभी 35 प्लस हो सकते थे। तो चलिए वो आखिरी गेंद फिर से आनी बाकी, फिर से स्लॉट, और ये लीजिए इस बार पिछली बार फुल टॉस पर जो बीच बल्ले से कैच नहीं हुआ, इस बार वो किनारे से फाइन थर्ड मैन जो शॉट में था उसके हाथों में कैच आउट हो जाएंगे। लीजिए वो चौथा विकेट 27 के टोटल पर। ये ओवर बिलवाड़ा के लिए बहुत कुछ कहानी यहाँ पर गढ़ सकता था, अच्छे रन आ सकते थे, लगभग 40 प्लस तो हो सकते थे, पर लीजिए वहां पर एक क्रिकेट वो जो थोड़ी गलतियां जिस तरफ से होती है वहां पर खेल थोड़ा सा बैकफुट पर जाता है। तो ये 27 पर चौथा विकेट बिलवाड़ा बुल्स का। न्यू बैट्समैन नेम इज बलवंत, तो बलवंत इज ए न्यू बैट्समैन। रामकेश की ये गेंद और ये स्लॉग करने का प्रयास, और ये लीजिए वो आधी टीम का वो आखिरी विकेट, पांचवा विकेट यहां पर गिरता हुआ। इस बार सलामी बल्लेबाज समा के जी प्रतीक यहां पर आउट हुए हैं, जैसे कि यहां पर दूसरे विकेट पर दिनेश मीणा का जो टॉपेज आगे वाली गेंद पर रहा, इस बार थोड़ा सा बैक ऑफ द लेन शर्मा जी गुड लेंथ की गेंद पर थोड़ा सा जो आड़ा वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेलने के प्रयास में, उनका भी यहां पर टॉपिक लगा और कीपर कैच आउट हुए। और पहली ही गेंद यहां पर रामकेश की कैच करके गई है वो पांचवा विकेट। अब 35 में 73 बात की जाए तो स्कोर और रन की कि ये क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में अगर सिक्स की गेंद हो और सीमेंट विकेट हो तो फिर ये रन बन सकते हैं, और आउटफील्ड और ग्राउंड में
गेंद एक बार दिशा पर दिखा दी जाएगी तो गैप में होगी, प्लेसमेंट सही होगा तो वो दिशा दशा सही करके जाएगी। तो चले बैक फुट जाकर उसको खेलने का प्रयास, मगर इस धीमी गति का जो गेंद था, धीमा जो गिरता है विकेट पर तो फिर वो स्लाइड नहीं करता, वो थोड़ा सा बाउंस पकड़ती है वो गेंद, यहाँ पर उछली उस बाउंस के ऊपर खेलने के प्रयास में। वो पहली गेंद थी बल्लेबाज के लिए सरदार ठाकुर। और इस बार बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिशा दिखाई है और ये बिल्कुल ये लगा है रेडी ब्रदर्स फॉर फोर, बिल्कुल सरदार और सरदार की तरह खेलता हुआ, और जो लीगल सरदार आउट हुए उसके बाद ये सरदार यहाँ पर खेलता हुआ। बिल्कुल इस बार थोड़ा सा वो गेंद जो उछलता हुआ उनकी कमर से ऊपर था, उसको दिशा दिखाई, फाइन लेग की तरफ निकलती हुई बाउंड्री स्कोर पहुंचा 31। और अगर आप पांच की तरफ देखेंगे जो विकेट गिरे हैं तो फिर आप जो खड़े हैं वो आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर आप जो है वो करते रहिए, जो पांच गिरे वो तो गिर गए, जो खड़े हैं उनका काम है कि जो रन बचे हैं उनको खेला जाए। अब लीजिए यहाँ पर इस 31, अब यहाँ से चाहिए 69। सरदार के बल्ले से बल्ले बल्ले होती हुई लगातार ये दूसरा चौका निकलता हुआ, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन खूबसूरत रेडी ब्रदर्स फॉर फोर। बढ़िया, इस तरह से अगर रहते हैं आप, ऐसे ही अगर बल्लेबाजी कर सकते हैं तो फिर आप थोड़ा सा हौसला जो आउट हुए खिलाड़ी का दुख मिटा सकते हैं, आने वाले बल्लेबाजों का विश्वास बढ़ा सकते हैं। ऐसा यहां पर बढ़िया एक खेल नजर आया, ठाकुर गेंदबाज को गब्बर समझकर खेल रहा है, दो बढ़िया शॉट यहां पर बाउंड्रीज की तरफ। अरे वाह, ये भी बढ़िया है, पर इस बार ये फील्डिंग टीम में है ना बॉनविटा वाले हैं सब, और ये बढ़िया सोच है, और सोच में मोच नहीं है तो पिछला शॉट जहां लगा वहां पर इस बार पीछे डीप में खिलाड़ी नजर आएगा। तो लीजिए बढ़िया शॉट भी दिखा, बढ़िया वो कप्तानी भी नजर आती हुई फील्डिंग टीम भरतपुर से। लो फुल टॉस और थोड़ा सा आगे गिरा गेंद, नहीं तो एक और विकेट यहां पर हो सकता था, और जो धीमी गति का गेंद, सोच अच्छी थी बल्लेबाज की मगर वो प्लेसमेंट नहीं। और फिर लीजिए वो आखिरी गेंद यहां पर, जान थोड़ी हलक में थी, अब थोड़ी सांसें लेता हुआ वो बल्लेबाज 36 पर वो पांचवा विकेट आप देख सकते हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। बिलवाड़ा बुल्स, लीजिए वो तो बनी हुई खेल की बात है, तो लीजिए जो बाकी है वो है 30 गेंद 64 रन। रिक्वायर्ड अभी भी जो 12.80 है, तो इस ओवर से 9 रन आए तो इस हिसाब से अगर रन बनते हैं, 10 रन को पकड़ कर चलते हैं तो फिर वो एक ओवर जो बड़ा हो सकता है जिसमें 2 सिक्स या एक बाउंड्रीज, तो फिर वो लगातार जो 10 रन का जो खेल है वो उस एक बड़े ओवर से सब कुछ मेंटेन कर दे सकता है। चलिए गेंदबाजी में देखते हैं का नया गेंदबाज आपकी स्क्रीन पर, अंकित चौधरी। अरे इस बार शॉट लगी है और पीछे फील्डर, और ये लीजिए दिस इज अ स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बढ़िया बढ़िया ठाकुर, सरदार ठाकुर, गजब की बल्लेबाजी और गजब का ये शॉट है। बल्लेबाज यहाँ पर लगातार जो जिस तरह से यहाँ पर जो विकेट गिरे उसके बाद वो
यहाँ पर जो पॉजिटिव जो आक्रामकता है वो अपनी टीम के लिए, ये अगर पूरे ओवर खेल जाते हैं तो भरतपुर का यहाँ पर ये खेल थोड़ा मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो चलें एक बार फिर से कॉन्टेस्ट चलता है उस वापसी वाली गेंद पर डाकुर के सामने, बैक ऑफ द लेंथ इस बार फिर से पिक किया है फील्डर पीछे, और ये लीजिए इस बार थोड़ा सा टॉप ऑफ द बाउंस बैट स्विंग थोड़ा रुका हवा में, और ठाकुर जो यहाँ पर बढ़िया खेल खेल रहे थे उनका खेल यहाँ पर समाप्त हुआ। 42 पर लगने वाला ये छठा विकेट, और बल्लेबाज का नाम है सरदार। इस बार वो थोड़ा सा टाइम बढ़ कर छोड़ दिया, थोड़ा सा पूरा बैट पूरा जोर जो था ना वो थोड़ा लगा नहीं, और पीछे वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, कैच आउट हो जाएंगे यहां पर। शाहरुख हैं बल्लेबाज, शाहरुख अगले बल्लेबाज, और अब यहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोलेंगे, वो यहां पर 42 के बाद अपने टीम के लिए स्कोर बनाना शुरू करेंगे। 29-58, और थोड़ा सा रंग जमने लगा था, और फिर वो ठाकुर की बल्लेबाजी थोड़ा सा मुकाबले में नजर आ रहे थे। फिर चलते हैं, नई शुरुआत है, इस बार फिर से वो गेंद हवा में नीचे फील्डर्स बराबर दूरी से, और ये लीजिए हाथों से भी नहीं पैरों के कप में भी नहीं सब कुछ वहां पर नीचे धरती माता को समर्पित वो कैच ड्रॉप हुआ। 43 इस बार ड्राइव किया फिर से वो बाहरी किनारा, पिछली ड्राइव पर थोड़ा अपीश रहा, इस बार वो किनारा लगातार ड्राइव में आ रहे हैं, कोशिश बढ़िया है, और इस बार बैक फुट पर जाकर उसको बैक ऑफ द लेन को खेला है मिड विकेट तक, एक रन मिल जाएगा। और यहाँ पर बल्लेबाजी कीजिए उसके साथ ये ध्यान रखना है कि 12 रन प्रति ओवर की ज़रूरत है, और जिस हिसाब से आपको अगर बल्लेबाजी में किस तरह से आगे बढ़ना है वो खेल यहाँ पर खेलना होगा। 44 पर 6, अब यहाँ पर शमक जी 56 रन की ज़रूरत 25 में। ये इंटेंट बढ़िया है, संपर्क नहीं तो वो आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट हो जाएगी। 6 में 44, 6 विकेट के नुकसान पर भीलवाड़ा बुल्स, अब यहां पे 24 में 56 रनों की जरूरत। ओवर की शुरुआत अच्छी थी, अंजाम यहां पर गेंदबाज का बढ़िया, बल्लेबाज वहां पर पहली गेंद पर सिक्स सरदार के बल्ले से, वो तीसरी गेंद कैच शमक जी दूसरी ही गेंद पर कॉट बाय डीप फॉरवर्ड स्क्वायर फील्डर। इसी बीच ये मुकाबला चल रहा है जिसके बीच में आरसीसी सुजानगढ़, और जब यहां पर मार रहे हैं तो फिर वो मारक क्षमता भी देखने लायक है। तो लीजिए सातवें ओवर की समाप्ति, मुकाबले में थोड़ा सा बढ़िया खेल चलता हुआ इस सातवें विकेट पर बलवंत और शाहरुख ये बल्लेबाज यहां पर अपनी टीम के लिए उस सातवें विकेट की भूमिका में, अब यहां पर बना तो 65 है, जो बनाना है वो सुनिए 18 में 35 रनों की जरूरत भीलवाड़ा बुल्स को। तो 18 रन और अगर देखा जाए तो वो 17 रन का फर्क है बॉल से ऊपर, और ये जब 15 से 20 रन का फर्क तब नजर आता है आउट हुए खिलाड़ियों को जब वो आखिरी कुछ गेंदे रहती है और जो 15 रन का फर्क और गेंद का रहता है। तो मैच को अगर आपके पास हिट है तो आप वो अच्छी गेंद जो गेंदबाज डालता है उस पर सिंगल लेने की काबिलियत बस आपको प्यास होनी चाहिए, तो अगर आप शॉट अच्छे खराब गेंदों पर लगा सकते हैं तो अच्छी गेंद पर सिंगल आएंगे तो वो डॉट में नहीं जाने देगी और ना विकेट लेने ले सकेगा गेंदबाज। फिर जब गेंद खराब आएगी तो फिर वो रिक्वायर्ड रन रेट पूरी होती है।
सामने से हट जाए। गेंदबाजी में सुमेर आए हैं, तो लीजिए अब शाहरुख हैं सामने, चले यहां पर सुमेर सामने मिड विकेट फॉरवर्ड स्क्वायर लेग डीप में, और ये शाहरुख नहीं ये शहनशाह है, और ये लीजिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगता हुआ स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। और यहां पर जहां पर जो खेल थोड़ा सा बदला हुआ था बैक फुट पर थी, वो अब फ्रंट फुट पर आगे चलकर बल्लेबाजी करते हो मानो, बढ़िया यहां पर वापसी सरदार आए, थोड़ा सा वो मोमेंटो बनाया, उसके बाद यहां पर फिर बलवंत, फिर यहां पर शाहरुख, और यहां पर मैच का रुख, ये सब कुछ अब मैदान में रोमांचित करता हुआ। इस बार बैक फुट पर खींची हुई लेंथ, और अगर नहीं यहां पर स्टंप पहले ही गिरा दिया, और उसके बाद लीजिए जहां पर रन आउट के लिए दौड़े थे बल्लेबाज, वहां पर एक रन पूरा हो जाएगा। और ये लीजिए यहां पर डील है, और वो डील नहीं होगी बल्लेबाज की तरफ से बिल्कुल भी। इस बार फिर से वो बलवंत और वो बलवान गजब का यहां पर एक गजब खेल, वो बल्ले की यहां पर गजब की बिल्कुल। इस अगले मुकाबले के लिए आरसीसी सुजानगढ़ और बालाजी सीकर, ये दो मुकाबले होंगे। एक मुकाबला आपके सामने यहां पर जो पहले शुरुआती दौर पर भरतपुर के पक्ष में था, अब यहां पर जो काम है जो बचा है, जो 16-28 का एनालिसिस है, 16 में 28 रनों की जरूरत, ये सातवें विकेट में दो बल्लेबाज जिनके पास मारक क्षमता काफी अच्छी, मेरे पास अपडेट लेट भी आ सकता है, होगा तो वो उलझा हुआ सुलझा दिया जाएगा। तो लीजिए एक फूल फिर से बिखरा है इस स्क्रीन पर, तो देखते हैं क्या कहता है, ये कहता है 15 में 22 की जरूरत, तो चले मुकाबले की तरफ। बढ़िया बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, और क्रिकेट जिसको देखने के लिए ऑनलाइन पे हमारे जितने दर्शक लगभग 4000 आपको क्रिक हीरोज पे मिल जाएंगे, वो तो उसके बाद ऑनलाइन की बात करें तो साहिल बताएं। बढ़िया गेंद है, और ये मिनी हेली 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 लॉन्ग ऑफ के बाहर से निकलता हुआ, एक और बढ़िया दनदनाता हुआ बिल्कुल उस मिट्टी के ऊपर आग लगाता हुआ सीधा निकलेगा एक रेडी ब्रदर्स फॉर लॉन्ग ऑफ रीजन से। बढ़िया यहां पर वापसी का खेल, स्कोर यहां पर अब 14 में 18, कौन कहता था कि यहां पर पीछे से ये सातवें नंबर के बल्लेबाज वो उनके सलामी बल्लेबाज को भी शर्मसार कर देंगे। गजब की बल्लेबाजी यहां पर इस सातवें विकेट पर बलवंत और शाहरुख की बिल्कुल। यहां पर चलिए मुकाबले में क्या चलता है, 14 में 18 का खेल है, गेंदबाजी में आपके सामने सुमेर, ये पांचवी गेंद, बढ़िया यॉर्कर लेंथ, गेंद में कोई खराबी नहीं, शॉट काफी बेहतर था, फिर से लो फुल टॉस, फिर से वहां पर डिप मिड विकेट में एक खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिल जाएगा। और जहां तक बलवंत की बात करें, जब से इन्होंने तेज बैट घुमाया है बीच बल्ले से संपर्क मिला, और जब यहां पर जो पिछले ओवर में जो 2 सिक्स एक चौका लगाया उसके बाद जब सिंगल ढूंढ रहे थे तो वो बॉल दिख नहीं रही थी इनको, तो अपनी अपनी बल्लेबाजी अपने अपने निराले ढंग होते हैं सबके। तो लीजिए 12 में 32 रन बना दिए यहाँ पर बलवंत ने, और ये शाहरुख है कवर्स में, और जब एक गेंद शुरू में भरतपुर की तरफ मिल गई थी, अब यहाँ पर बिलवाड़ा के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है, कैच था और थोड़ा सा जो दौड़ने की प्रयास में आगे चले गए तो उनकी बाई तरफ से गेंद उनके चेहरे के सामने टप्पा खाकर बाहर चली गई। 12 में 13 रनों की जरूरत, और यहां पर जो उनका दम घुट रहा था डगआउट में उनकी सांसें वापस आती हुई, 12 में 13 रनों की जरूरत यहां पर मुकाबले में। बलवंत सिंह नहीं है बलवान सिंह हो गया है, इन्होंने अपने 12 में 32, और जो शाहरुख आए थे उन्होंने भी किया बखूबी साथ निभाया यहां पर बलवंत का, 5 में 12 एक चौका एक छक्का यहां पर शाहरुख के बल्ले से बोला गया।
तो लीजिए वो आठवें ओवर की समाप्ति, बीच मैदान से अंपायर का वो ओवर समाप्ति का इशारा। 8 ओवर 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब लीजिए 12 में 13 का खेल आपकी स्क्रीन पर जो बनाना बाकी रहा। चलिए 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 क्या गजब का मुकाबला देखना होगा। ये ओवर यहाँ पर दोनों टीम के लिए हार जीत की तस्वीर साफ करेगा। गेंदबाजी में आपके सामने है अंकित चौधरी और इस ओवर से यहाँ पर जीत हार का फर्क है। और लीजिए ये 12 गेंद वो 13 का यहाँ वो सफर है। और इस बार वो दिखाया कुछ और डाला कुछ और, गया बैट पहले चला गेंद बाद में आई, तो थोड़ा सा मिश्रण यहाँ पर गेंदबाज को जैसे चलना चाहिए जिस हिसाब से वो सेकंड लास्ट ओवर अगर आपको डालना है, अगर किफायती होना है तो आपको श्रीमान मिश्रण मिश्रा बनना पड़ेगा उसकी पहली झलक पहली गेंद पर। चलिए फिर से चलते हैं 11-13 और ये एफर्टलेस और ये लगा है और ये लगा है बिल्कुल। स्पिनर्स प्रेजेंट मैक्सिमम मुकाबले में मुकालात होती हुई, कभी ये तो कभी वो। बलवंत सिंह रावत लीजिए 10 में 7 रनों की जरूरत। और ये क्रिकेट है, इसके रंग अनेक है, उसका एक नजारा यहां पर। और ये फिर से बीच बल्ले से ड्राइव, पीछे लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद, एक रन का वो सफर, दो विकेटों के बीच की वो 22 गज की दूरी। अब यहां पर स्ट्राइक पर रहेंगे शाहरुख, उनके सामने इस ओवर की 3 गेंदे हैं, वो उनके सामने चौथी आएगी। स्कोर की बात करें 9 में 6 की जरूरत। चलिए कुछ जिस हिसाब से पहले भरतपुर भीलवाड़ा, फिर क्या भरतपुर आ सकती है। आगे निकले ड्राइव बढ़िया है, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर वहां पर मौजूद है, पर वहां पर जब तक फील्ड होगा एक रन मिल जाएगा। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया वो ड्राइव, और पीछे के फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की। तो लीजिए अब यहां पर 5 रनों की जरूरत, 8 रन यहां क्षमा कीजिए 8 गेंदे बाकी है। बलवंत है स्ट्राइक पर, लीजिए तो फिर चले इस मुकाबले में। और इस बार टॉप और यहाँ पर टिप टॉप होता हुआ काम, और टॉपेज के साथ गेंद चली जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकलता हुआ। इस बार जो मिस टाइम था वो दहाई के आंकड़े का जो अंतिम अक्षर होता है 99, वहां पर पहुंच चुकी है भीलवाड़ा। तो अब जो एक स्टेप जो उनके जीत की खबर लाएगी वो 3 के आंकड़ों में होगी, वो होगी 100। तो बस एक रन दूर, देखना होगा कि यहाँ पर बलवंत क्या कहना, गजब का ये खिलाड़ी और गजब की बल्लेबाजी। 268 की स्ट्राइक। और लीजिए ये एक तरफ के खेल की बात करें, शाहरुख को कैसे बोलें, बिल्कुल उनका साथ लगातार, जब वो नॉन स्ट्राइक से वो भी स्ट्राइक करते रहे तो फिर खेल यहाँ पर सुधरता हुआ। पार्टनरशिप यहाँ पर 21 में 57 की। और इस बार ड्राइव है और ये रन खत्म, चौका, और ये लीजिए यहाँ पर जीत लिया ये मुकाबला। नहीं, थोड़ा सा याद रखना है। चलिए इस मुकाबले में उस चौके के साथ ये मुकाबला खत्म हुआ और भीलवाड़ा ने, क्या बात है, क्या मुकाबला चला यहाँ पर। चलें तो चलिए फिर से चलते हैं यहाँ पर, दोनों कप्तान आ जाए, आरसीसी सुजानगढ़ और बालाजी सीकर प्रेजेंटेशन के सामने। और इस मैच के मैन ऑफ मैच है बलवंत सिंह,